स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। अच्छा, लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने जो स्टडी करा था वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में करा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं यार वो स्पीड के बारे में। ठीक है, तो स्पीड को स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखना स्पीड क्या होता है। स्पीड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वी से। आप लोग जैसा कि जानते हैं स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या फिर रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो देखना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम टेकन। जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको डिवाइड कर देंगे यदि टाइम टेकन से, तो स्पीड आ जाएगी, है ना। और ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस का रेट निकाल देना, है ना, तो उसको बोलते हैं हम स्पीड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। मान लो कोई व्यक्ति यहां से चलते है और यहां पर इसने टाइम कितना है, जीरो से स्टार्ट किया, यहां से यहां तक चलते है और यहां पर आ जाता है, कितने टाइम में आ गया, मान लो 5 सेकंड में। और कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, मान लो 10 मीटर। ठीक है ना, 5 सेकंड में मान लो 10 मीटर कवर करता है। अगर आपसे पूछे इसकी स्पीड कितनी होगी, पूरे इंटरवल के लिए निकाल रहा हूं, तो स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस कितना कवर किया है 10 अपॉन में कितने टाइम में, 5 में, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में इसने 2 मीटर कवर करा। लेकिन इस बारे में, इस बीच में ये श्योरिटी नहीं है, मतलब इसको देख के मैं ये नहीं बता सकता कि क्या वो पूरे बीच में चलता ही रहा या कहीं पर रुका भी, या उसके बीच में हर जगह स्पीड सेम रही। अरे बात समझ में। तो यही सब चीजें हमें यहां पर पढ़ना है कि भाई बीच में कैसी स्पीड वेरी भी करी थी, अगर वेरी करी होगी तो किसी भी टाइम पर कितनी स्पीड होगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं। यूनिट के बारे में बात करूं, यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड। दूसरा स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी मतलब केवल मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, इसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसका, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 l1 t की पावर -1। ठीक है, ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये कुछ बातें किसके बारे में, स्पीड के बारे में। स्पीड का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। ठीक है, अब इसके बारे में फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लू टाइप्स ऑफ स्पीड में, टाइप्स ऑफ स्पीड, तो टाइप्स ऑफ स्पीड के लिए हम यहां पर 2 बातें लिख लेते हैं। एक तो यूनिफॉर्म स्पीड और एक है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे डिफाइन किया गया, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझे, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बात करूं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट कहीं से मूव कर रहा है
तो हर सेकंड में अगर वो 2 मीटर कवर कर रहा है, मतलब यदि वो 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 2 मीटर, तो अगले सेकंड में भी कितना कवर कर रहा होगा, 2 मीटर, अगले सेकंड में भी कितना कवर कर रहा होगा, 2 मीटर, अगले सेकंड में भी कितना कवर कर रहा होगा, 2 मीटर। अरे वो समझ में। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बोलते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, अगर वो पहले सेकंड में 2 मीटर चला, तो मे भी दूसरे सेकंड में ज्यादा चल सकता है, कम भी हो सकता है। मान लीजिए 3 मीटर चला, 4 मीटर में क्या करा उस, तीसरे सेकंड में क्या करा उसने, और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, मे भी कम भी कर सकता है। मतलब इस तरीके से रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगी वो यहां पर अलग अलग होगी, यहां पर कैसी होगी, सेम होगी। तो इस तरीके से हम स्पीड को कैटेगराइज कर लेते हैं, 2 तरह की स्पीड, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं यहां पर ज्यादा डिस्कस ना करते हुए केवल इसके ग्राफ के बारे में बात करूं, और अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ प्लॉट करता हूं डिस्टेंस वर्सेस टाइम के लिए, या फिर पोजीशन वर्सेस टाइम के लिए, तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। ग्राफ कैसा रहेगा इसका, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। एंड नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते रहूंगा। तो इन दोनों में अंतर ये है, यहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, यहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। बच्चों आप देखना जरा ध्यान से, यहां पर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड बहुत आसान होता है। एवरेज स्पीड, वी एवरेज बराबर होगा टोटल डिस्टेंस जो कवर किया ऑब्जेक्ट ने, अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया है उसको डिवाइड कर दूंगा यदि मैं टोटल टाइम से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे का एग्जाम्पल लू, मान लीजिए बच्चों कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है ए से, फिर वो जाता है बी तक, अगर बी तक जाता है तो उसने S1 डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, मान लीजिए आप T1 टाइम में। अगर वो बी से सी तक जाता है मान लीजिए, तो इसने S2 डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, T2 टाइम में। फिर मान लीजिए उसने S3 डिस्टेंस कवर करा सी से डी तक के लिए, कितने टाइम में, T3 टाइम में। लाइक ऐसे मान लीजिए आप, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट के, ये मैंने यहां पर प्लॉट बना रखा है कि यहां पर इस लाइन में देखना, ए से बी तक S1 डिस्टेंस करा कितने टाइम में, T1 में, फिर S2 T2 टाइम में, S3 डिस्टेंस इन T3 टाइम। और अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी हो तो मेरे को क्या करना है, सारे डिस्टेंस को जोड़ देना है, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, मतलब T1 प्लस T2 प्लस कितना, T3। ये जो हमारे पास निकल कर आया ये एवरेज स्पीड है बच्चों। लेकिन एवरेज स्पीड में याद रखना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर एग्जैक्ट वेलोसिटी हम, या एग्जैक्ट स्पीड हमें नहीं पता होती, ये हम जो बताते हैं पूरी जर्नी के लिए बताते हैं। अब उस जर्नी के बीच में क्या हुआ है या क्या क्या स्पीड रही होगी, इसके बारे में हमें एवरेज स्पीड से नहीं पता चलेगा। अरे वह समझ में, और क्लियरिटी आएगी इससे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। अभी हमें समझ में आया कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये वाला पार्ट आप लोग लिखेंगे, मैं इसके बाद आगे स्टार्ट कर दूं, ठीक है। आगे हम लोग जो स्टार्ट करते हैं इसके और केसेस पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, फिर वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। अभी यहां पर हमने एवरेज स्पीड को समझा, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, पूरी जर्नी के एवरेज स्पीड से हम लोगों को बीच में क्या क्या हुआ, क्या हर जगह उसकी स्पीड सेम रही, क्या वो रुका भी था, इस तरह के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऐसे निकाला हमने बच्चों, मान लीजिए हमारे पास, ये तो यहां पर तब था केस
जब डिस्टेंस भी पता हो आपको और टाइम भी पता हो। मैं कुछ छोटे छोटे से यहां पर केस लेता हूं, पहला केस लेता हूं, केस वन। पहला केस है मेरे पास, मान लीजिए मैं इसको ज्यादा लेंथी ना करते हुए ऐसे समझाता हूं आप लोगों को, ए से बी एंड बी से सी। ए से बी तक इसने एस वन डिस्टेंस चला कितने टाइम में, मान लो टी वन टाइम में, और बी से सी तक इसने चला एस टू डिस्टेंस कितने टाइम में, टी टू टाइम में। अगर आपको बोलेगा एवरेज स्पीड बताओ, तो बच्चों आपके लिए बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस मतलब एस वन प्लस एस टू डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू। क्लियर है? अगर हमारे को ये दे रखा है डिस्टेंस और टाइम, तो हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर केस टू लेता हूं मैं और कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट कर दूं, अगर इफ स्पीड एंड टाइम आर गिवन, अगर हमें स्पीड दे रखा हो और टाइम दे रखा हो, तब कैसे करेंगे? उसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिक से जाएं, आराम से कर पाएंगे, बिल्कुल बेसिक से ही सिखा रहा हूं मैं, अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। तो बच्चों यहां पर मान लीजिए वी वन स्पीड से चला वो टी वन टाइम के लिए, फिर बी से सी तक वी टू स्पीड से चला कितने टाइम के लिए, टी टू। तो अब हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लें, ए से बी तक इसको एस वन मान लूं, और डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम। और अगर मैं यहां से बी से सी तक का डिस्टेंस निकालता हूं तो एस टू मान लेता हूं, तो कितना आ जाएगा, वी टू इंटू में टी टू। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ चुका है। तो अब मेरे लिए एवरेज स्पीड निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो एवरेज स्पीड एस वन प्लस एस टू कितना लिख सकता हूं, वी वन टी वन प्लस वी टू टी टू एंड डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू। बच्चों इसको मैं बोलूंगा केस फर्स्ट, इसको मैं बोल रहा हूं केस टू। लेकिन इस केस टू में भी एक स्पेशल केस हो सकता है कि अगर वो वी वन स्पीड से जितने टाइम के लिए चला, वी टू स्पीड से भी उतने ही टाइम के लिए चलता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं स्पेशल केस। इसके लिए स्पेशल केस क्या है, टी वन बराबर अगर टी टू बराबर टी है, मतलब जो चला इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चला, तो वी एवरेज को लिखा गया वी वन प्लस वी टू बाई टू, मतलब एवरेज स्पीड आ गया। जो भी उसकी स्पीड है उसका अर्थमैटिक मीन निकाल लो, वी वन प्लस वी टू बाई टू, अगर तीन है तो वी वन प्लस वी टू बाई वी प्लस वी थ्री अपॉन में थ्री, एन है तो एन तक जोड़ना है और एन से डिवाइड कर देना है। ये केस तब है हमारे पास जब टाइम इंटरवल सेम दे रखा हो। लेकिन अगर हमारे पास तीसरे केस की तरफ अगर मैं जाता हूं, केस थ्री, डिस्टेंस एंड स्पीड आर गिवन, अगर आपको क्या क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है, इस वाले पार्ट को मिटा दें, डिस्टेंस दे रखा है और क्या दे रखी है आपको, स्पीड दे रखी है। यहां पर कौन मिसिंग है, इस बार टाइम मिसिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पता है बच्चों, कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक केस है, ये ए से बी तक के लिए और बी से कहां तक के लिए, सी तक के लिए, यहां तक ये वी वन स्पीड से चलता है एस वन डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, और यहां से यहां तक बी से सी तक एस टू डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद वी टू स्पीड। क्या मिसिंग है बच्चों हमारे पास, टाइम, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहां पर मेरे को टाइम भी चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले वाले टाइम को टी वन मानूंगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब एस वन अपॉन में वी वन, और टी टू बराबर कितना आ जाएगा, एस टू अपॉन में कितना, वी टू। टी वन बराबर कितना, एस वन अपॉन में वी वन, और टी टू बराबर कितना, एस टू अपॉन में वी टू। अगर अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, वी एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस पता है हमें एस वन प्लस एस टू होल डिवाइडेड बाई टाइम से, टाइम की वैल्यू मेरे को स्पीड और डिस्टेंस के टर्म्स में पता चल गई, एस वन वी वन प्लस एस टू वी टू। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन में किसका रेशियो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, उनको जोड़ के इसको डिवाइड कर दो। बच्चों इसमें भी एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है, अगर S1 बराबर S2 बराबर S है,
मतलब जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से, वो सेम दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो v एवरेज, तो ये भी s हो गया और ये भी s हो गया, तो टोटल तो कितना हो गया 2s, s1 की जगह s अपॉन में v1, s2 की जगह कितना s अपॉन में v2, कैंसिल होगा जो कट जाएगा 2 अपॉन में 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन में v2, ये आ गया मेरे पास। इसको बोलते हैं जो हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या करना है आपको, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको ऊपर लिखा जाता है और रेसिप्रोकल का सम नीचे लिखा जाता है। ऐसे यदि हमें डिस्टेंस सेम दे रखा हो और अलग अलग स्पीड दे रखी हो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोले, तो जितनी स्पीड दे रखी हो उनके टर्म्स ऊपर लिखना और रेसिप्रोकल का सम नीचे। अगर मैं केवल दो के लिए और सॉल्व करूं इसको, तो मेरे पास जो फाइनल आएगा केवल दो वाले के लिए, टू वी वन वी टू अपॉन में वी वन प्लस वी टू। लेकिन अगर आप ये चीज यहां पर तीन करके करते हैं, मतलब आप सोचते हैं कि तीन थ्री वी वन वी टू वी थ्री अपॉन में वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, तो गलत आएगा। अरे वो समझ में, दो के लिए आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर तीन के लिए आएगा तो आप लोगों को यहां पर 3 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमारे पास तीन केसेस होते हैं, इसको मैं फर्स्ट कंडीशन बोलूंगा, इसको सेकंड कंडीशन और इसको थर्ड कंडीशन बोलेंगे। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आया तो मैं अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। लेकिन धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको और अच्छे से समझते जाएंगे और अच्छे क्वेश्चन करते जाएंगे। लेकिन बेसिक से ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ये है बच्चों, मैं बोलता हूं कि एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है और इनके बीच की दूरी दे रखी है मान लो 10 किलोमीटर। कितना है 10 किलोमीटर। कोई पर्सन ए से चलना स्टार्ट करता है, कहां से, ए से। भाई जब वो ए से जा रहा है तो उसकी जो रफ्तार है मान लो 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर उसकी रफ्तार है, स्पीड है ए से बी जाने की। लेकिन जब वो बी से ए की तरफ वापस आता है तो उसकी जो रफ्तार है मान लो 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछा गया बताओ एवरेज स्पीड बताओ कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है, ए से बी तक जाने में 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार दे रखी है और बी से ए तक आने में 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार दे रखी है। बच्चों अब एक बात सोच के देखो, अगर वो ए से बी जाता है या बी से ए जाता है, उसका डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कौन सी, थर्ड केस की स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए जाने वाले को अगर मैं वी वन मानता हूं, वी वन कितना हो गया 3, वी टू कितना हो गया मेरे पास 6, तो एवरेज स्पीड मेरे लिए बहुत आसान है। यहां पर वी एवरेज बराबर कितना 2, वी वन की वैल्यू कितना है 3, वी टू की वैल्यू 6 अपॉन में 3 प्लस 6, 6 × 18 = 36/9, मतलब 4 आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया इसकी एवरेज स्पीड। क्लियर है क्या, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर, देखो किलोमीटर पर आवर जो है मेरे पास वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर आपके पास कोई वैल्यू एक्स मान लो किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। किलोमीटर की जगह कितना कर देंगे 1000 मीटर और आवर की जगह कितना कर देंगे 3600 सेकंड। सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स को कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18, तो आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो आप किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं और मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं। बच्चों एवरेज स्पीड के तीन स्पेशल केस मैंने यहां पर लिखे, जिसमें हमें डिस्टेंस टाइम गिवन था, एक बार डिस्टेंस स्पीड गिवन थी, एक बार स्पीड टाइम गिवन था। इसको यहां तक नोट डाउन करेंगे, आगे वाले पार्ट पर बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दूं। चलिए भाई उम्मीद करता हूं यार आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बातें, देख लीजिए इसको और मैं मिटा देता हूं यार, है ना। एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम,
तीन स्पेशल केसेस हो गए उसके, ये भी समझ में आ गया हम लोगों को। कैसे एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मान लीजिए मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है मेरे पास कि क्वेश्चन अगर मैं वैसे लिखाऊंगा लैंग्वेज में बच्चों तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं केवल ऐसे लिखकर दिखा रहा हूं आपको। मान लो ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कितने सेगमेंट हो गए? तीन सेगमेंट हो गए। अब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, ए से बी जाता है कितनी स्पीड से? तो मान लो आप वी वन स्पीड दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट वन थर्ड टाइम, मतलब पूरे समय के 1/3 समय के लिए, 1/3 टाइम के लिए वो कितनी स्पीड से चलता है? 5 मीटर पर सेकेंड। फिर वो अगले 1/3 के लिए मान लीजिए चलता है v2 स्पीड से और कितनी स्पीड कर लेता है? मान लो 4 मीटर पर सेकेंड। अगले 1/3 के लिए वो 4 मीटर पर सेकेंड कर लेता है और जो बाकी टाइम बचा, मतलब अगला 1/3 बचा, उसके लिए उसकी स्पीड v3 मान लीजिए आप, और वो हो जाती है मान लो 7 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको बताना है एवरेज स्पीड। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? मैं बोल रहा हूं टोटल समय लगता है मान लो टी सेकेंड, उस टी सेकेंड में टी बाई थ्री के लिए वो वी वन रफ्तार से चलता है, अगले टी बाई थ्री के लिए वो 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और अगले टी बाई थ्री के लिए 7 मीटर पर सेकेंड से। आपने देखा इस क्वेश्चन में टाइम जो है सेम है, और अगर टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है इसका, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड डिवाइडेड बाई कितना? 3। वी वन कितना है मेरे पास? 5। V2 कितना है मेरे पास? 4 + 7/3, 7, 5, 12, 12 और 4, 16, मतलब 16/3। एवरेज स्पीड आ गई 16/3 मीटर पर सेकेंड, 16/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में। देखो जो ज्यादा क्वेश्चन कर, देखो ज्यादा क्वेश्चन तो आप लोगों को ट्राई करने, मैं आपको बताऊं, मैं तो यहां पर इससे कैसे कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उस बारे में फिलहाल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करी है मैंने। आप लोग इनको प्रैक्टिस करेंगे, लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके चलेंगे स्टेप वाइज, है ना? अच्छा, यहां तक समझ में आया? मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। अगर यह मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों को ताकि दिक्कत आओ। If an object cover first half distance with speed, मान लीजिए कितना? v1, and another half, बाकी बचा हुआ another half distance with speed v2 and v3, with speed कितना? v2 and v3 for equal interval of time। मतलब कहने का ये हुआ, अगर मेरे पास एक्स दूरी है या एस दूरी है, डिस्टेंस है, उसका s/2 तो वो कितनी रफ्तार से करता है? v1 से, ठीक है ना? और फिर जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है उसको कवर करता है v2 एंड v3 स्पीड से, लेकिन इक्वल इंटरवल में। कैसे इंटरवल में? मतलब सेकेंड हाफ के लिए अगर उसको टी टाइम लगा, इमेजिन करो सेकेंड हाफ के लिए अगर उसको टी टाइम लगा, तो t/2 के लिए तो कितनी स्पीड से चला? v2, एंड t/2 अगला जो बचा होगा उसका, उसके लिए कितना? v3। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे बच्चों। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे कर लिया, डायग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको क्वेश्चन को, ए बी और ये कितना है? सी। मैं सबसे पहले पूरा डिस्टेंस मान लेता हूं एक्स,
पहला डिस्टेंस कितना हुआ x बाई टू, जो कि इसने कितने टाइम में कवर करा मेरे को नहीं पता, लेकिन स्पीड पता है कितना v1, स्पीड पता है कितना v1। तो क्या मैं यहां पर यहां से यहां तक का टाइम निकाल सकता हूं टाइम फोर ए टू बी के लिए? अगर ए से बी तक के लिए टाइम निकालना है बच्चों, तो ए से बी तक का टाइम मैं टी वन मान लेता हूं, और टी वन टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है एक्स बाई टू इंटू स्पीड कितना है वी वन, तो कितना आ गया टाइम एक्स बाई टू वी वन। अगली कंडीशन में कितना डिस्टेंस बचा बताओ, एक्स बाई टू बचा, लेकिन उस एक्स बाई टू के लिए वो बोल रहा है कि जो एक्स बाई टू डिस्टेंस कवर करेगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगा। क्लियर है क्या मेरी बात? तो मान लीजिए यहां से वो यहां तक चला, कितना कवर किया उसने x1, कितना x1, कितने टाइम में मान लो t टाइम में, फिर कितना कवर करा उसने मान लो x2, कितने टाइम में t टाइम में, टाइम सेम दे रखा है आपको। तो क्या भाई x1 और x2 निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। फिर सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि अगले हाफ डिस्टेंस को वो दो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करता है, पर ये जरूरी तो नहीं है ना कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम हो, लेकिन ये तो कंफर्म है कि x1 और x2 की वैल्यू कितनी होगी x by 2 के बराबर। तो निकाल लेते हैं, बताओ x1 कितना आएगा बच्चों, डिस्टेंस बराबर कितना है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है इसके लिए v2, और कितना टाइम है t। ऐसे में यहां पर कितना डिस्टेंस कवर करा इसने वो भी निकाल लेता हूं, एक्स टू बराबर कितना आ जाएगा v3 इंटू में t, और क्या दोनों डिस्टेंस का सम पता है हमें? बिल्कुल पता है, तो x बाई टू है दोनों का सम, कितना हो गया x1 प्लस x2, x1 कितना है बच्चों v2t प्लस में v3t। क्या यहां से t निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, तो t कितना आएगा यहां पर x अपॉन में 2v2 प्लस v3। क्या बात समझ में आ गई यहां तक? तो यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, टाइम पता चल गया यहां तक का। तो अब तो हमारे लिए बहुत आसान कंसेप्ट है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस जो कि x है अपॉन में टोटल टाइम। बच्चों यहां से यहां तक का टाइम मेरे को पता है, ये रहा कितना है बताओ x अपॉन में 2 v1 प्लस, यहां से यहां तक का टाइम पता है, बिल्कुल पता है t और t 2t 2t, और t की वैल्यू यहां से चिपका दो, तो एवरेज स्पीड बराबर कितना आया x अपॉन में x बाई टू वी वन प्लस टू इंटू टी की जगह कितना बचो x अपॉन में टू वी टू प्लस वी थ्री, टू से टू कैंसिल, x x सॉल्व करूंगा तो x भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास v एवरेज बराबर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा टू वी वन वी टू प्लस वी थ्री डिवाइडेड बाई 2v1 प्लस v2 प्लस v3। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूं बच्चों, क्वेश्चन कुछ ऐसे था, बोल रहा था अगर x डिस्टेंस है तो उसका x बाई टू डिस्टेंस के लिए तो वो क्या कर रहा है v1 स्पीड से चल रहा है, उसमें टाइम गिवन नहीं है, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि जो अगला हाफ डिस्टेंस बचा उसको कवर कर रहा है अलग अलग स्पीड से लेकिन इक्वल टाइम में। तो मैंने इक्वल टाइम मान लिया और सॉल्व करा, बस मेरे मन में क्या चल रहा था टोटल डिस्टेंस मेरे को पता है, अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाल दूं और ये टाइम निकाल दूं तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और मैंने वही प्रोसीजर। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है मान लीजिए हमारे पास एक ये सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक में ये पॉइंट लेता हूं मैं ए, ये ले लिया मैंने बी, और ये मान लीजिए मैं कितना लेता हूं सी। यहां से यहां तक एंगल दे रखा है 120 डिग्री, ये दे रखा है आपको 90 डिग्री, और ये कितना बचा हमारे पास 150 डिग्री, ठीक है इतना बचा। इसके बाद यहां पर ये चलता है मान लीजिए कितनी स्पीड से वी, यहां पर स्पीड है टू वी, और यहां पर मान लीजिए 3v स्पीड है, ये आपको स्पीड दे रखी है यहां पर। अब क्या करना है,
अब आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है ए से बी, तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस बराबर, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस बराबर आर्क, और आर्क बराबर कितना हो जाएगा रेडियस इंटू में एंगल, रेडियस इंटू में एंगल। बच्चों अब आपको यहां पर मैं बताऊं, एक डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन, तो जितना मेरे को जैसे यहां पर दे रखा है 120 डिग्री, तो क्या करूंगा मैं पाई बाई 180 इंटू में 120 सॉल्व करेंगे तो कितना 2π/3। ऐसा ही हम 90 के लिए कर लेंगे, ऐसा ही हम 150 के लिए कर लेंगे। तो अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने पर हम लोग इसको क्या मिल जाएगा, हम लोग ये मिल जाएगी लेंथ, मतलब ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना लिखा जाएगा बच्चों, रेडियस इंटू में एंगल, मतलब कितना आर इंटू में 2π/3 प्लस यहां से यहां तक का कितना लिखा जाएगा आर इंटू में पाई बाई 2 प्लस यहां से यहां तक का कितना लिखा जाएगा, तो यहां से यहां तक का लिखा जाएगा आर इंटू में 5π/6 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे लिख सकते हैं, यहां से यहां तक का टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें पता है कितना है 2π/3 और स्पीड कितना है बच्चों यहां पर v प्लस यहां से यहां तक का टाइम लिखना है आपको, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क कितना ये भी आर पाई बाई 2 इंटू में कितना 2v प्लस अब यहां से यहां तक का टाइम लिखना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है यहां पर 5π/6 इंटू में कितना 3v। अब यहां से 2 यहां से पाई आर सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास 2/3 प्लस यहां पर कितना बचा 1/2 प्लस यहां पर कितना बचा 5/6 डिवाइडेड बाई यहां पर कितना बचा 2/3v प्लस में यहां कितना बचा 1/4v और यहां पर कितना बचा 5/18v। बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास एवरेज स्पीड। क्लियर है क्या, अब देखो जरा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, सॉल्व खुद कर रहे हैं, लिख देता हूं खुद सॉल्व कर रहे हैं, बाकी तो आपको समझ में ही आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक्स दे रखा है आपको 2t² प्लस में 1, आपको बोलते हैं फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इन 2 सेकंड के लिए मान लीजिए। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले t बराबर 0 रखें, t बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 1। अब t की जगह मैं रखता हूं यहां पर 1, t की जगह 1 रखू तो कितना आएगा 1, 2, 1, 2, 1, 3, तो x बराबर कितना आ गया 3। अब t की जगह 2 रखें, 2 × 4 × 8 = 9, इसका बदला अगर मैं इसको यहां पर प्लॉट करता हूं, ये ओरिजिन, ये 1, 2, 3 ऐसे चलेगा, उसने यहां से स्टार्ट किया कितना टी बराबर 0 पे, है ना, टी बराबर 0 पे, फिर वो कहां पर आया 3 पे आया, ये 3 हो गया, ये 1 था, फिर वो कहां पर आया 9 पे, है ना, तो कितना चला यहां से यहां तक चला, और फिर कितना हुआ टोटल बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका, यहां से कितना होगा ये 1, 2, 1, 2, है ना, और यहां से यहां तक कितना है ये, तो टोटल हो गया मेरे 5 और 3, 5 और 2, 7, देखो 1 यहां से यहां तक 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितना हो गया 8। तो एवरेज स्पीड आ गया बच्चों हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 8 अपॉन में टोटल टाइम कितना हो गया 2
बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी भी एक बात वही, एवरेज स्पीड में हमारे पास बीच में क्या क्या स्पीड रही होंगी, क्या वो रुका भी होगा, क्या हमेशा इतनी स्पीड से चलता रहा होगा, क्या बीच में रफ्तार घटी या बढ़ी भी होगी, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वो हम आगे वाले में स्टार्ट करेंगे। यहां तक लेक्चर काफी लेंथी हो चुका है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। यहां तक के लिए यार।